हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। यह है मेरा सैटरडे मॉर्निंग और मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कर रही हूँ विद मॉर्निंग ड्रिंक। तो मैं हफ्ते में दो चार बार लेमन वाटर लेती हूँ, लेकिन पिछले कुछ दो तीन हफ्तों से मैं ओजीवा का ये ग्रीन एंड हर्ब्स ब्लेंड ले रही हूँ एज माई मॉर्निंग ड्रिंक। तो शर्मा जी और मैं आजकल यही ड्रिंक लेते हैं मॉर्निंग में। तो ओजीवा ग्रीन्स एंड हर्ब्स डायबिटिक पीपल एंड प्री डायबिटिक पीपल के लिए एकदम आइडियल है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में जब हम इतना स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं तो डायबिटीज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है। यूँ तो डायबिटीज़ जेनेटिक है, पर आजकल तो इतने फ्रेश केसेस, इनफैक्ट बच्चे लोगों को भी डायबिटीज़ हो रहा है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। ये प्रोडक्ट पूरी तरह से प्लांट बेस्ड है, नॉन GMO है और ग्लूटेन फ्री भी है। इस ड्रिंक में बहुत सी ऐसी हर्ब्स का ब्लेंड है जो हमारी बॉडी को एल्कलाइज करती हैं। आपको पता ही होगा एल्कलाइज बॉडी में बीमारियां कम पनपती हैं। मेरे कहने का मतलब, बॉडी जब आपकी एसिडिक होती है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बॉडी में घर कर लेती हैं जो आगे बढ़कर बड़ी बीमारियों का रूप ले सकती हैं। साथ ही साथ इस ड्रिंक में है शुगर कंट्रोल ब्लेंड, यानी कि बहुत सारे ऐसे हर्ब्स, जैसा कि मैंने बताया ये कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड है, तो सिर्फ हर्ब्स का इसमें प्रयोग किया गया है। तो बहुत से ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारा बॉडी का जो शुगर कंट्रोल है उसको बूस्ट करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बूस्ट करते हैं। और साथ में खुशी के लिए मैं सर्व कर रही हूँ ऑरेंज जूस। तो आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स इन जार्स का लिंक मांग रहे थे, तो ये मैंने तो डीमार्ट से खरीदे थे, पर ये बहुत ईजिली अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी अवेलेबल है। और इस तरह के जार्स बच्चों के लिए बहुत कन्वीनियंट रहते हैं, क्योंकि इन जार्स में हैंडल भी है और साथ ही साथ स्ट्रॉ भी आता है। जो ग्लास वगैरह होते हैं वो बच्चों के हाथों से स्लिप हो जाते हैं तो एक्सीडेंट का चांसेस रहता है, लेकिन इस तरह के जार मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है अगर आप बच्चों को ड्रिंक सर्व करना चाहते हैं तो। और शर्मा जी और मेरा और सानवी और खुशी, हम चारों का मॉर्निंग ड्रिंक हो गया है तैयार। तो ओजीवा सुपर फूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स में है ना, ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। कुछ हर्ब्स जैसे कि मोरिंगा, स्पिनच, व्हीट ग्रास वगैरह हमारी बॉडी का जो pH लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, बॉडी से एसिडिक जो हमारा बॉडी का नेचर है उसको कंट्रोल करते हैं। जैसा मैंने बताया, एसिडिक जब हमारी बॉडी हो जाती है तो वो बुरी तरह से हमारी हेल्थ को हैम्पर करती है, और साथ ही साथ इसमें लिवर और हार्ट की हेल्थ को बूस्ट करने वाले आयुर्वेदिक हर्बल एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, जैसे कि आंवला, टैमरिन, फेनल सीड्स वगैरह। हम सभी जानते हैं कि कितने अच्छे हैं वो हमारे लिवर के लिए। और ये ड्रिंक पूरी तरह शुगर फ्री है, इसमें बिल्कुल एडेड शुगर नहीं है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है दिन की शुरुआत करने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा ऐसा हर्ब्स वगैरह डाले हैं तो टेस्ट थोड़ा ब्लांड हो जाता है, उसको थोड़ा अच्छा इम्प्रूव करने के लिए इसमें आमचूर, ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इस ड्रिंक का टेस्ट जो है ना थोड़ा सा जिंगी हो जाता है, जैसे कि वेरी क्लोज टू जलजीरा, तो पीने में ये काफी अच्छा लगता है। बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स, आपकी फैमिली के लिए आप बहुत प्रेशियस हो, इसलिए आपको आपका ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ अच्छे हेल्थ ड्रिंक ही नहीं, अच्छा लाइफस्टाइल भी ज़रूरी है, थोड़ा एक्सरसाइज करना, और अगर आपको कोई एलिमेंट है, आपको किसी भी तरह की कोई डिसऑर्डर या बीमारी है, जैसे मुझे खुद थायरॉयड है, तो आपके मेडिकेशन पर पूरा ध्यान रखिए। मैं किसी भी दिन अपनी थायरॉयड की मेडिसिन स्किप नहीं करती हूँ, पूरी तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि लाइफस्टाइल को थोड़ा सा हेल्दी रखा जाए। मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ डर्मोइड की वजह से, पर आई स्टिल ट्राई माय बेस्ट कि जितनी कैलोरीज मैं कंज्यूम कर रही हूँ उनको किसी ना किसी तरह से बर्न भी करूँ, सो दैट मैं अपनी हेल्थ को थोड़ा सा चेक में रख सकूँ।
और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो ये सारे कपड़े जो थे मैंने इनका हॉल आपसे शेयर किया था, ये जटकी ने मुझे भेजे थे और आज इनका पिकअप है, रिटर्न पिकअप है। तो इसलिए सारे जो कपड़े हैं मैं इनको अच्छे से फोल्ड करके पैक कर रही हूँ, जिससे जब रिटर्न वाला भैया आएगा तो उसे देने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है मेरा सैटरडे का व्लॉग, और सैटरडे को हमारा प्लान था मूवी जाने का, तो लगभग शाम में हमारा मूवी का प्रोग्राम था, तो मैं सारे के सारे काम अभी सुबह में निपटा लेना चाहती हूँ, जिससे मूवी देखने में जाऊँ एकदम टेंशन फ्री। तो मैं थोड़े बहुत घर के जो टास्क हैं उनको पूरा कर दूंगी, अभी ब्रेकफास्ट बना लूंगी, लंच भी मैं बना कर ही रखूंगी अभी ही, जिससे कि मैं एकदम टेंशन फ्री रहूं शाम के वक्त। और वीकेंड पे ना यार बहुत मन होता है कि फैमिली के साथ कुछ ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए जिससे आगे का हफ्ता जो है वो काम करने की एनर्जी बनी रहे। बाय द वे हम लोग जा रहे हैं अलादीन देखने के लिए, और लास्ट मूवी जो मैंने अपनी फैमिली के साथ देखी थी वो थी डेस्पिकेबल 2, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे मुझे इस तरह की जो बच्चों वाली फिल्में होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करती हैं, लेकिन सानवी खुशी को बहुत पसंद है, इसलिए जब भी कोई अच्छी वाली इस तरह की मूवी आती है तो शर्मा जी उन्हें लेकर ज़रूर जाते हैं। तो बस अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ते की तैयारी, तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ अप्पम, कुछ लोग अप्पे भी कहते हैं, और मैं मूँग दाल वाले अप्पे बना रही हूँ। तो ये एक्चुअली मूंग दाल प्लस वेजिटेबल अप्पे हैं, मिक्स वेज अप्पे कह सकते हैं आप इन्हें। तो इसमें आप जो भी वेजिटेबल हैं वो आपकी चॉइस के ले सकते हो या अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास जो वेजिटेबल्स हैं और जो मेरे हस्बैंड और बच्चे लोग खा लेते हैं वो मैं डाल रही हूँ। तो मैंने मूंग दाल सोक करके रख दिया था रात में ही, तो वेजिटेबल चॉप कर रही हूँ मैं। तो वेजिटेबल्स में मैं ले रही हूँ यहाँ पे हरा धनिया, एक कैरेट मैंने लिया है और प्याज लिया है, और कैरेट को एकदम फाइन या एकदम मोटा नहीं ग्रेट कर रही हूँ मैं, वरना उसे कुक होने में प्रॉब्लम होगी। एकदम फाइन कर देंगे तो फिर उसका टेक्सचर ही लूज़ हो जाता है, मोटा करेंगे तो फिर वो कुक नहीं होता, इसलिए जो मिडल वाला होता है ना उससे मैंने कैरेट को ग्रेट किया है। एक कैरेट लिया था मैंने यहाँ पे, और ये सारी की सारी सब्जियाँ मैं एक बोल में रख दूँगी, इसी बोल में मैं मिक्स करूँगी। आप चाहें तो और भी सब्जी ले सकते हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, और ये हरी मिर्चें मैं काट के नहीं डालूंगी, इन्हें मैं दाल में पीसने वाली हूँ, और क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालूंगी इसलिए मैंने हरी मिर्ची की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ली है। थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक भी छोटा छोटा चॉप कर रही हूँ, मुझे ये इवेंचुअली सब पीसने हैं। तो एक मिक्सी के जार में मैंने ये हरी मिर्ची, गार्लिक और जिंजर काट कर ले लिया है। आप चाहें तो इन्हें पेस्ट करके या चॉप करके ले सकते हो, पर मैंने दाल के साथ ही पीस लूँगी, इससे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। और ये एक कप मूंग की दाल है, होल मूंग दाल, ये मैंने रात को सोक कर दिया था, और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट सोक हो गई है। तो अब मैं इसे थोड़े से पानी की सहायता से पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट आपको बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, और बहुत रनी तो बिल्कुल मत बनाइएगा, बस ऐसा बनाना है। और दरदरा रखना चाहते हैं या फाइन रखना चाहते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है, आपको जैसा टेक्स्चर पसंद आए, लेकिन थोड़ा सा इसको फाइन तरफ ही पीसिएगा, एकदम पेस्ट की तो ज़रूरत नहीं है। तो मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची जैसे मैंने कहा हरी मिर्ची डाली है तो लाल मिर्ची मैं नहीं डालूंगी इसमें, और धनिया भी बहुत सारा लिया है इसलिए धनिया पाउडर भी नहीं, थोड़ी सी हींग। जब भी आप दाल बनाते हो ना तो उसमें हींग, अजवाइन या मेथी, इनमें से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इससे वो उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक ले लिया है मैंने, और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, ये इसके टेस्ट को बहुत इन्हांस कर देता है, क्योंकि मूंग दाल का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा वाला नहीं होता है, सबको पसंद नहीं आता है। तो थोड़ा से खाना सोडा के ऊपर मैंने डाला है ये एक नींबू का रस, आप देखिए सोडा पे नींबू डालते ही वो किस तरह से फ्रथी होने लगा है, यही ट्रिक आजमाइएगा तो आपके अप्पे एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। तो बस अब मैं इसको एकदम से मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अगर आप ये खाना सोडा यानी कि बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहते हो तो आप इनो डाल सकते हैं, पर दोनों में से एक डालिएगा तो जो अप्पे हैं वो थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे, वरना चांसेस हैं कि ये डेंस हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी इसमें वेजिटेबल डाली हैं, तो वेजिटेबल डाल के ना स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और इसका हेल्थ फैक्टर भी बढ़ जाता है। तो ये है मेरा अप्पे पैन, और मैं इसे ऑयल से ब्रश कर लूँगी,
और अप्पे पैन की खासियत ये होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा तेल वेल नहीं जाता है, तो आप जो कुछ भी उसमें बनाते हैं वो काफ़ी हेल्दी बनता है। तो अच्छे से एक बार ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही आप इसमें मिक्सचर डालिए वरना चिपक सकता है। तो पैन गर्म हुआ है, इसके बाद मैं सारे जो इसके ये होल्स हैं, जो सारे कैविटीज़ हैं, इसमें लगभग एक एक चम्मच ये मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ मूंग दाल लिया है, आप चाहें तो मिक्स दाल का भी बना सकते हो। अप्पे के तो बहुत सारे वेरिएशन हैं, आप जैसे चाहें उसको बना सकते हैं, पर ये वाले मेरे हस्बैंड को और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी अप्पे बनते हैं मूंग दाल प्लस वेजिटेबल्स के। तो ये कुछ 3-4 मिनट मैंने स्लो आंच पे, स्लो टू मीडियम गैस पे पकाया था। मतलब पहचान ये है कि ऊपर से ड्राई हो जाना चाहिए, तो मैंने इस पे थोड़ा सा ऑयल ब्रश किया है और फिर पलट दिया है। और ये जो स्टिक है ये पैन के साथ ही आती है, आपके पास है तो ओके है, नहीं तो आप इसे चम्मच से भी पलट सकते हो। एक बार ये अच्छे से कुक हो जाता है तो अपने आप ईजिली पलटने लगता है और ये नाश्ता बहुत जल्दी बन जाता है। और आप देख ही सकते हैं हेल्दी तो है ही, तो आप ट्राई कर सकते हैं अप्पे। और अप्पे पैन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके चीले या पकौड़े भी उतार सकते हो। तो दोनों तरफ से तीन चार मिनट ही पकाने की ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। और मेरा पहला बैच ऑफ अप्पे तो हो गया है तैयार, इसे सर्व कर रही हूँ मैं केचप और हरी चटनी के साथ। तो बस इसी तरह मैं बाकी के सारे बैटर के अप्पे बना लूँगी। और बच्चे लोगों को भी अप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, आप चाहें तो उनके टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा इसको मोल्ड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हैं रेसिपी को। उनको जो सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, कॉर्न वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हो। बच्चे लोग बहुत चाव से खाते हैं अप्पे, एकदम फिंगर फूड टाइप्स है ना, छोटे छोटे होते हैं, तो बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आप उनके डब्बे में भी दे सकते हो, जैसे मैं मेरे बच्चों के 2-3 डब्बे पैक करती हूँ, तो उस तरह से एक बॉक्स में आप इस तरह अप्पे रख सकते हो, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और अप्पे मेकर के बहुत सारे यूज हैं, आप इस तरह अप्पे तो बना ही सकते हैं, कोफ्ताज वगैरह भी बना सकते हो, जैसे कि लौकी वगैरह के कोफ्ते होते हैं ना, उनको भी अप्पे मेकर में बना सकते हैं। और यहाँ तक कि मफिन वगैरह भी बना सकते हो, सेम बैटर आप बना लीजिए और स्लो आंच पे अप्पे मेकर में बनाइए, वो अप्पे बॉल्स जैसे बन जाएंगे, मफिन बॉल्स, बहुत टेस्टी लगते हैं वो बच्चों को। तो नाश्ता तो मैंने कर लिया था, इसके इमीडिएटली बाद मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ, फटाफट से राइस बना के रख रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं इसके बाद थोड़ी सी बिजी होने वाली हूँ, तो मैं एक बार किचन से पूरी तरह से फ्री हो जाऊँ, इसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर पुलाव, मैंने तवा पे पनीर को रोस्ट होने के लिए रखा है, और यहाँ कैसरोल में मैंने घी में डाला है ये थोड़े से खड़े गरम मसाले और जीरा, ये जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएगा मैंने इसमें ऐड किया है प्याज, इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, थोड़ा सा ये बस वेरिएशन ही है। और ये 1 pot meal तैयार होती है, लंचेस के लिए तो बहुत अच्छी है, और जब आपके पास टाइम नहीं है ना, आप थोड़े बिजी हो, तो इस तरह से ताहिरी पुलाव वगैरह बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था, ये थोड़ा सा मुझे अच्छे से भूनना है। और इसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर का मैंने छिलका हटा लिया था, 2 टमाटर हैं, इनको चॉप कर लिया है, और इसके ऊपर नमक डाल के मैं इसे थोड़ी देर कुक करूँगी। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें घी थोड़ा ज़्यादा है, तो पुलाव में ना डियर घी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, वरना पुलाव खुला खुला बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा सा मेरा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप 2 चम्मच डालते हो तो 3 चम्मच डालना पड़ता है, वरना थोड़ा सा पुलाव है ना टेक्स्चर नहीं ले पाता। तो मैंने रूटीन के मसाले ऐड किए थे इस भुना मसाला में, और मटर डाला है, ये मटर फ्रोज़न है, तो इसे मैं एक्स्ट्रा अलग से कुक नहीं कर रही हूँ। और ये जो पनीर है मैंने एक ही साइड से कुक किया है, बहुत ज़्यादा कुक करने से फिर एकदम चूही सा हो जाता है पनीर, तो ये पनीर मैंने ऐड किया है, ये होममेड पनीर था। और बाकी ये बासमती चावल मैंने लिया है 2 कप, और ये मैंने कुछ 30-40 मिनट सोक किया था, तो ये ऐड किया है मैंने मसाले में, और पानी डालकर मैं इसको अब कुक होने रखूँगी।
और अभी ऐड किया है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और बस चुटकी भर चीनी इसकी सावरनेस को एडजस्ट करने के लिए। तो ये पुलाव को मैंने घी से छौंका दिया था, अगर आप ऑयल से छौंका दे रहे हो तो ऊपर से एक चम्मच घी भी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। और मैं चावल कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको पिछली किसी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसे ढककर रख दिया था। चावल को उसी के प्रेशर में 10-15 मिनट छोड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इस तरह से खुला खुला बनता है और नीचे से जलता भी नहीं है और ना ही नीचे से एकदम, कभी कभी चावल एकदम गीला गीला निकलता है तो वो वाला रिस्क भी नहीं रहता है। तो पुलाव मेरा रेडी हो गया है, बस अभी हम लोग, मैं थोड़े से घर के बाकी काम करूँगी, बच्चे लोगों को नहलाऊँगी, उनका शैम्पू डे है। और हम पहुंच गए हैं अलादीन देखने, मेरे बच्चे सुपर एक्साइटेड थे और अलादीन शायद 24 को ही रिलीज़ हुआ था तो 24 से ही हाय तो मैं बता रही थी आपको 24 से ही उनको बिल्कुल चैन नहीं था। तो 25 के शर्मा जी ने टिकट्स किए थे क्योंकि ये सैटरडे उनको हॉलीडे होता है। हेयर कम्स अलादीन और बहुत अच्छी लगेगी आपके बच्चों को ये मूवी, बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप डिज्नी फैन है ना तो आई वुड रिकमेंड, प्लीज़ जाइएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो, ये रेसिपीज़ पसंद आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे एक लाइक दे सकते हो, ये रेसिपीज़ अच्छे लगे हैं तो आप इन्हें एक ट्राई दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपकी राय मेरे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।